हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। हमारा जो पहला ब्लॉग पोस्ट हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी के पहले दिन आपकी हॉस्पिटल में कैसे टेक केयर करते हैं, आपको कौन से प्रिकॉशन हम लोग फॉलो करने को बोलते हैं। अभी आज मैं आपको पार्ट टू यानी सेकेंड ब्लॉग के बारे में बताने वाली हूँ कि डिलीवरी जिस दिन आपकी होती है उसके सेकेंड डे पे आपका सिचुएशन कैसे रहता है, आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जनरली हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट दो दिन में डिस्चार्ज करते हैं, मतलब हमारे हॉस्पिटल में हम लोग 48 आवर का स्टे रखते हैं। एक बार बेबी का वैक्सीन हुआ, मदर ने मोशन पास किया कि हम लोग मदर को और बेबी को डिस्चार्ज करते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल डिलीवरी की मदर है, इनका आज सेकेंड डे है डिलीवरी का। इनका नाइट को डिलीवरी हुआ इमरजेंसी में, अराउंड 12-1 बजे स्पॉन्टेनियस लेबर में आई थी वो, और उसके पेन अपने आप बढ़े। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उसका नॉर्मल डिलीवरी हो गया। अभी पहले दिन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिजेरियन की जैसे पेशेंट लेट के नहीं रहती है, पेशेंट तुरंत 2 घंटे के बाद यूरिन पास करती है, खाना वगैरह शुरू करती है, बच्चे को फीड करती है। तो नॉर्मल डिलीवरी में हम लोग फर्स्ट डे पे इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते, और सेकेंड डे पे तो पेशेंट काफ़ी कम्फर्टेबल रहती है। आप देख रहे हैं ये हमारी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट मदर थी जिसकी डिलीवरी हुई है, ये क्यूट बच्चा आपको दिख रहा है, अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हुई, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। आज उसका सेकेंड डे है, उसने मोशन पास की है, तो अभी ये मदर रेडी है डिस्चार्ज करने के लिए। लेकिन सेकेंड डे पे या डिस्चार्ज के वक्त हम लोग आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखने को बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एपिजियोटॉमी का केयर करने को बोलते हैं। जनरली क्या रहता है कि 99% हम लोग आपको एपिजियोटॉमी देते हैं। एपिजियोटॉमी यानी क्या, ऐसा छोटा कट देते हैं नीचे पेरिनियम पे ताकि वो बच्चा अच्छे से बाहर निकले। अगर हम लोगों ने वो कट नहीं दिया तो वो बच्चा आपका वो एरिया फाड़ के बाहर आता है, और वो एरिया कैसे भी फट जाता है, फिर ऊपर यूरिन का पैसेज रहता है, नीचे मोशन का पैसेज रहता है, फिर वो ट्रॉमा होने की रिस्क रहती है। इसलिए हम लोग प्लान प्रॉपर कट देते और उसको स्टिच करते हैं। तो अब जब भी आप घर जाते हैं तो आपको घर पे वो स्टिचेस का टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान लगती है लेकिन वैसा नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में स्टार्टिंग में भी काफ़ी पेन सहन करना पड़ता है, डिलीवरी के वक्त भी मदर को काफ़ी पेन होता है, और डिलीवरी के बाद ये स्टिचेस 1.5 से 2 महीना लेते हील होने को। तो वो स्टिचेस का टेक केयर करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्टिचेस अगर इन्फेक्ट हुए तो वो स्टिचेस पूरे खुल जाते हैं और अपने को फिर से स्टिच करने पड़ते हैं। पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, कभी कभी उसमें पस भी होता है। तो आपको कौन सा टेक केयर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ऐसे पैर सीधा करके ही बच्चे को फीड करना है। आप ऐसा वाला जो मांडी बोलते हैं हम लोग, पालथी मांडी डाल के बोलते हैं, तो वैसा मांडी डाल के आपको नहीं बैठना है, क्योंकि आप वैसा मांडी डाल के बैठे तो आपके स्टिचेस पे प्रेशर आएगा और आपके स्टिच खुल सकते हैं। तो आप स्ट्रिक्टली 2 महीना होने तक पैर ऐसा सीधे करके ही आपकी बेबी को फीड देंगे, या आप खाना खा रहे, आप जो भी चीज़ों के लिए बैठ रहे उसके लिए आपको पैर सीधा करके ही बैठना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप बेड से नीचे उतरते हैं तो आप एक पैर नीचे रखेंगे फिर दूसरा पैर रखेंगे तो फिर से वो स्टिचेस पे प्रेशर आता है। आपको दोनों पैर साथ में ही नीचे रखना है। आपका फंडा क्या है कि ये पेशेंट को नीचे कट दिया है और ये दोनों पैर के बीच में है, तो पैर अगर पेशेंट ने ऐसे फैलाए तो वो स्टिचेस पे प्रेशर आता है, स्टिचेस खुल जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, एपिजियोटॉमी का क्या टेक केयर करेंगे आप, कि वो एरिया आपको क्लीन रखना है। क्लीन रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नीचे मोशन का पैसेज रहता है, तो जब भी आप मोशन पास करने के लिए जाते हैं तो आपको वो पूरा एरिया अच्छे से फ्लश करना है, टिश्यू पेपर से ड्राई करना है। आपके डॉक्टर जो क्रीम देंगे वो क्रीम आपको वहाँ पे लगानी है। एक सीड्स बात बोलते हैं हम लोग कि स्टिचेस को हम लोग स्टराइल वाटर से क्लीनिंग भी कर सकते हैं। आप एक टब में अच्छे से गर्म पानी लेंगे नहाने का, और उसमें एक ढक्कन या एक स्पून डेटॉल डालेंगे, और उसमें आराम से आप आधा घंटा बैठ सकते, उससे आपके स्टिचेस क्लीन रहेंगे और आपका पेन भी कम हो जाएगा। तो ऐसे आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते ताकि आपका स्टिचेस का ध्यान रहेगा। दूसरा, आपके डॉक्टर आपको क्रीम देते हैं, बीटाडीन के क्रीम आते हैं या मेट्रोजिल के क्रीम आते हैं, वो क्रीम आपको कंपलसरी नहाने के बाद और रात को सोते वक्त लगानी है ताकि वो स्टिचेस पूरे क्लीन रहेंगे। दूसरा, ये टाइम पे आपको ब्लीडिंग होता है, उसको लोकिया बोलते हैं हम लोग, तो वो ब्लीडिंग या ब्लीडी डिस्चार्ज, स्टिकी स्टिकी डिस्चार्ज रहता है, वो आपको आराम से 8 दिन 10 दिन 15 दिन चलता है, किसी किसी को 1-2 महीना भी थोड़ा थोड़ा चलते रहता है। तो उसके लिए आप पैड यूज़ करते हैं, तो पैड आपको रेगुलरली चेंज करना है। आपकी पैंटी आपको कॉटन की पैंटी यूज़ करना है। इन जनरल आपको हाइजीन मेंटेन करना है। अगर गर्मी के दिन है तो आप दिन में 2 बार नहा सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि क्या होता है, आप बच्चों को फीड करने के लिए दो दो घंटे में उठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, तो आपका सेल्फ नेग्लिजेंस थोड़ा होता है। मदर की टेंडेंसी रहती पहले बच्चे का देखो और खुद की तरफ ध्यान नहीं देते, तो वैसे नहीं करना है आपको, स्टिचेस का पूरा ध्यान रखना है। अभी दूसरा चीज हम लोग एडवाइस करते रिगार्डिंग द बेल्ट, ये टमी अंदर जाने के लिए हम लोग कंपलसरी 2 महीने के लिए अबडोमिनेंट बेल्ट यूज करते, उसकी वजह से आपका टमी अंदर जाएगा। अभी तीसरा इम्पोर्टेंट चीज रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम लोग फर्स्ट डे से ही बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी में कि बच्चा उठा के आप ब्रेस्ट पे लैच करो, उसको आधा घंटा लेके बैठो, बच्चे को सकिंग की आदत लगनी है। पार्टी स्कूल का बच्चे को सिर्फ स्वॉलो करना रहता है, यहाँ पे सक करना रहता है, तो कंपलसरी आपको घर जाने के बाद भी 2-2 घंटे में बच्चा उठा कि ब्रेस्ट पे लेना है, उसको लैच करना है, बच्चे का अगर पेट नहीं भर रहा है तो आपको फॉर्मूला फीड देना है, बच्चे का अच्छे से बर्पिंग करना है और उसके बाद आपको रेस्ट करना है। अभी रिगार्डिंग द फूड, फूड के लिए आपको कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के बाद, आप घर पे जाने के बाद सभी खा सकते, सब्जी रोटी दाल राइस खट्टा फ्रूट्स राइस बैंगन गवार और क्या बोलते हैं आप वो लड्डू, जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आते हैं, सब फूड आप खा सकते हैं। ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने ये खाया वो खाया आपके स्टिचेस पक जाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं, आप सभी फूड खा सकते, खाने का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट, आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक देते 5 दिन के लिए। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि सर नॉर्मल डिलीवरी हुई है एंटीबायोटिक की क्या जरूरत है, लेकिन वो एपिजियोटॉमी का जो स्टिच है वो हील होने तक 1-1.5 महीना लगता है, और वो टाइम पे अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो उसमें पस बन जाता है और हम लोग को वो फिर से सुचर करना पड़ता है, तो वो नहीं होने के लिए हम लोग आपको एंटीबायोटिक देते, पेन किलर देते, क्रीम देते लगाने के लिए, तो वो सब आपको लगानी है ताकि आपका टिश्यू जल्दी हील होगा और आपकी में इम्यूनिटी रहेगी और आप जल्दी रिकवर होंगे। और इन जनरल घर जाने के बाद आपको खुद का टेक केयर करना है, खाना टाइम पे खाना है, बच्चे को फीड करना है, दूध अच्छा आने के लिए हम लोग 6 ग्लास दूध पीने को बोलते हैं, दूध बढ़ने का मेडिसिन बोलते हैं, तो ये सब चीज़ों का आपको घर पे ध्यान रखना है। कसं आहे सोनाली, आता कसं वाटतंय तुला, बरं वाटतंय घरी जायचं, मोशन वगैरे झाली ना तुला, बरं आधी झालेली ना। देखो ये सेकंड डे की मदर है हमारी, अभी काफ़ी कंफर्टेबल है वो, उसने डिलीवरी का काफ़ी पेन सहन किया, लेकिन अभी वो डिस्चार्ज के लिए रेडी है। बाळाला फीड केलं तू, फीडिंग जमत आहे ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये लॉग अगर हमारा यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।